ये देखो यहाँ पे पत्थर है बीचों बीच एक। ये बच्चों का थीम पार्क टाइप है पूरा। बाबू कहाँ भाग रहे हो, इधर उधर भूल भुलैया में। या इट्स लाइक अ मेज। बहुत ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी नहीं है, ऐसी हवा लग रही है ना जैसे गर्मियों के टाइम आप पहाड़ी एरिया में जाते हो और वहाँ पे थोड़ी ठंडी होती है, इतनी नहीं होती कि आपको दो तीन जैकेट डालने पड़ रहे हैं, लेकिन ठंडी होती है, वैसा ही है वेदर अभी यहाँ पे, है ना टकलू। अब मम्मा इज गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, हे कहाँ जा रहे हो बाबू। देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम एन्चेंटेड फॉरेस्ट के जैसा, इतने सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है ना। ठंडी जगह की यही अच्छी बात है, हर तरह के आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, हर कलर के। गर्म जगहों पे सिर्फ ग्रीन कलर के प्लांट्स मिलते हैं ज़्यादातर, तो यही है शंघाई की ब्यूटी। और वो देखो पीछे माउंटेन। बाबू इसको घर के गार्डन में नहीं रहना है, इसको बाहर ही जाना है। और ये देखो ये वाली घास बहुत यहाँ पे उगाते हैं लोग गार्डन्स में, या फिर मैंने कॉलेज कैंपसेस में हर जगह देखी है, साइड ऑफ द रोड। पता नहीं क्यों इसमें मच्छर तो बहुत ज़्यादा बैठते हैं अंदर, इसके हिलते ही खूब सारे मच्छर निकल के आते हैं। बट इसका फ़ायदा ये है ना, जूतों पे नहीं लगती ये घास और मिट्टी भी एकदम ढक देती है। बाबू कहाँ जा रहे हो, देखो पत्ते गिर गए हैं, ये कलरफुल कितना सुंदर लग रहा है, माई गॉड जस्ट आउट ऑफ अ मूवी। हमारा घर वहाँ पे है कहीं, घर बहुत सुंदर है यहाँ। तो गाइज मुझे आपको बताना था कि कल हम सूझो जाने वाले हैं कुछ काम से, एक्चुअली मेरा जो रेसिडेंस परमिट है वो रिन्यू कराना है। अगर ये काम सूझो में नहीं हो पाया हमारा तो मुझे वापस से जिलिन जाना पड़ेगा अपने रेसिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार हम शंघाई में सेटल हो जाएं तो मेरा रेसिडेंस परमिट यहीं पे बन जाएगा। बाय द वे गाइस देखो ये गाड़ी रोड साफ करने का काम कर रही है, तो मैंने ये मशीन्स चाइना में बहुत देखी है। आजकल गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि लोगों को काम कम दे और मशीनों से ज्यादा काम करवाए। तो ये देखो आप कितनी अच्छी मशीन है, एक वाटर जेट छोड़ रही है बहुत स्पीड से, और जो भी पत्ते बिखरे हुए हैं रोड पे सारे उड़ जा रहे हैं और धूल मिट्टी भी साफ़ हो जा रही है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, यानी लोगों से क्यों इतना काम करवाना, बेचारे लोगों से धूप में काम करवाना अच्छी बात भी नहीं है ना। लाइक पत्तों को साफ करने के लिए पानी के जेट से अच्छा कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि इस तरह से पत्ते कहीं से भी साफ हो जाते हैं। तो गाइज ये सारा अब लंबा चौड़ा एरिया जो आप देख रहे हो, जो गार्डन देखा आपने और ये रोड, ये सारी मेरे सोसाइटी के अंदर ही है। तो मैं अभी जा रही हूँ इवान को लेके, एक शॉप है हमारे सोसाइटी में वहाँ पे। वैसे हमारे सोसाइटी में दो शॉप्स हैं तो दोनों ही काफ़ी महंगी लगती है, बट क्या करें कभी कभी यहीं पर जाना पड़ता है। वैसे गाइज मुझे यहाँ पर वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी सुंदर तरीके से बनाई हुई सोसाइटी है और ऐसा लगता है आप एक हिल स्टेशन में, एक रिजॉर्ट में ही रह रहे हो, तो हॉलीडे वगैरह की कोई क्रेविंग ही नहीं होती। लुक एट दीज फ्लावर्स गाइज, ये मेरे ख्याल से वो बोगनविलिया जो होता है ना, शायद वैसे नहीं कोई और है ये, बट कितने सुंदर लग रहे हैं ये पूरे रोड पे, ये पिंक फ्लावर्स के ट्रीज लगा के रखे हैं, इट्स जस्ट लाइक अ फेरी टेल, आई लव इट। लुक एट दीज ट्रीज, दिस इज लाइक रेडिश पिंक कलर, नो एक्चुअली इट्स जस्ट रेड कलर, बट इसमें एक भी हरा पत्ता नहीं है। आई थिंक इस वेदर में पत्ते हरे से ये कलर के हो जाते हैं, कितना सुंदर लगता है बाबा। लुक एट दिस येलो कलर फ्लावर्स, ओ माई गॉड, आई थॉट पीपल डू दिस स्टफ ओनली इन वेडिंग वेन्यूज एंड ऑल, बट वाओ सच ए कूल जीप। हाँ शॉप भी आ गई है। तो गाइस हम घर वापस आ गए हैं और देखो इवान कैसे एंजॉय कर रहा है बालकनी में। छी बाबू नो नो इट्स डर्टी 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 नो नो
छी 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 गंदा। तो इवान के आजकल काफ़ी नखरे हो गए हैं। आज सुबह मैंने रोटी बनाई थी, उसने नहीं खाई, तो फिर मैंने पास्ता बनाया और वो भी नहीं खा रहा है। तो पास्ता को टेस्टी बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए मैंने उसे सब्जियों की प्यूरी बनाई और उसकी ग्रेवी में मैंने पास्ता डाल दिया। बबू हेल्दी, यस वेरी नाइस, आई नो यू आर हंग्री। तो एज यूजुअल इवान एंजॉय कर रहा है और ओडिन अपने प्लांट्स में लगा हुआ है। और इन बोनसाई प्लांट केयर करना बहुत मुश्किल काम है, पूरे टाइम लगे रहना पड़ता है। और आज हमारा गैस सिलेंडर भी आ गया। आपको पता होगा कि पहले हमारे इलेक्ट्रिक वाला इंडक्शन लगा हुआ था और अब हमने गैस चेंज करवा दी है, स्टव लगवा दिया है। तो यहाँ पे गैस मिलती है 800 रुपए के आसपास, लेकिन सिलेंडर का साइज बहुत बड़ा होता है। ये देखो इवान की आज की एक्टिविटी है उल्टे चलना। तो बहुत टाइम से क्रॉल नहीं कर रहा था, आज क्रॉल कर रहा है लेकिन उल्टे ही कर रहा है। तो बस ये मजे करता रहता है अपना, रोज का इसका कुछ नया ही होता है। तो मैं इवान को दोपहर में सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको खेलना है। आजकल इवान को हमेशा खेलना ही होता है। बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता खाना बनाने का या फिर वीडियोस एडिट करने का या सफाई भी करने का। तो मैं बस चाहती हूँ मुझे बस आधा घंटा मिल जाए दिन में कि मैं खाना वाना बना लूँ अपने लिए, कुछ भी और घर का काम कर लूँ। खैर आज तो मैं तैयारी करने वाली हूँ कल सूझो जाने की, तो थोड़ी बहुत पैकिंग करूंगी। ओडिन के कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी रहते हैं वहाँ पे, तो शायद उनके साथ हम डिनर करेंगे। तो गाइज अगले दिन सुबह सुबह हम निकल गए ताकि हम जल्दी सूझो पहुंच जाए। हमारे कुछ प्लान्स भी थे सूझो घूमने के लिए और होटल में जाके रेस्ट भी करना था। रास्ते में हमने कुछ हल्का सा सूप जैसा खा लिया और फिर निकल पड़े। कई लोग बोलते हैं कि उनको चाइना की रोड्स वगैरह भी देखनी है, तो मैंने थोड़ा रोड का वीडियो इंक्लूड कर लिया है। गाइज यहाँ पे अक्सर आपको अलग अलग टाइप की कार्स देखने को मिलेगी जो मैंने तो एक्चुअली कभी देखी नहीं थी। ये जैसे एक कार है, पता नहीं ओडिन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बट हम सूझो पहुंच गए हैं गाइज। और ये रहा होटल, तो ये हमने एक मॉडर्न स्टाइल का होटल चूज किया इस बार। तो बहुत क्लीन और बहुत स्लीक मॉडर्न इसका इंटीरियर किया हुआ है, थोड़ा मिनिमलिस्ट टाइप का। तो पहले जिस होटल्स में हम रुके थे वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल था, जिसमें आपको पर्दे बहुत कलरफुल दिखेंगे और बहुत पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई। तो ये एकदम सिंपल टाइप का है, बट ये सस्ता नहीं है, ये उन ट्रेडिशनल होटल से थोड़ा महंगा ही है। बट ये देखो हम कॉफी लेके आए थे रास्ते में और दो कॉफी पड़ी हुई है, मैंने कोल्ड और ओडिन ने हॉट ली थी। बस इवान से बचाने के लिए कॉफी को मैंने टेबल पे रखा हुआ है। देखो इवान बिस्तर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, अभी इसको कॉफी दिखेगी तो आके सब बिखेर देगा। इवान रूम को तबाह करने लग गया। देखो हमने अभी फोन की लाइन काट दी है ताकि किसी को कॉल ना लगाने लग जाए। यहाँ पे थोड़ा मिनरल वाटर ना बजट होटल से थोड़ा अलग है, ये अलग ही ब्रांड है कोई मॉडर्न सी। और यहाँ पे देखो ट्विनिंग की टी होती है, उसकी जगह यहाँ पे लोकल चाइनीज टी है, हाई क्वालिटी आई थिंक, क्योंकि ट्विनिंग की इतनी जेनेरिक कॉमन हो गई है ना, तो यहाँ थोड़ा अलग स्टाइल रखा है इन्होंने। इनफैक्ट टीवी में भी कुछ अलग ही चीज़ें आ रही है कंपेयर टू अदर होटल्स ना, काफ़ी अलग टाइप का, जैसे बिजनेस टाइप का आ रहा है स्क्रीन, बुक्स, ग्रीक गॉड। और बो नो ये हेलो हेलो कर रहा है देखो। ओके गाइज ब्रेकिंग न्यूज़, अभी मुझे पता चला है कि मुझे जिलिन जाना ही पड़ेगा क्योंकि सूझो में मेरा रेसिडेंस परमिट रिन्यू नहीं हो सकता। तो मैं कल आपको लेके चलूंगी, मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, मुझे अकेले इवान के साथ फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा। मेरी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मैं सच में काफ़ी परेशान हो गई हूँ। पर कई बार लाइफ पेड़े देती है तो आपको खाने पड़ते हैं, भले आपको शुगर बिल्कुल भी पसंद ना हो। मेरी सारी टेंशन दूर हो गई जब ओडिन के फैमिली फ्रेंड्स आए हमको लेने के लिए डिनर के लिए, और ये डिनर मेरे लाइफ के सबसे अच्छे डिनर्स में से था। ये खाना मुझे लगता है वो खाना है जो स्वर्ग में सर्व किया जाता है। देखो आप ये लौकी है गाइस, ये लौकी है, इसको इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, इतना टेस्टी लग रहा था। और ये है तुरई, जो हम तुरई खाते हैं वो ये सेम चीज है, और हर चीज इतनी टेस्टी थी। इस टेबल पे सर्व किया गया है सी फूड, फिश, टोफू और सारे सब्जियां। तो गाइज सब्जियों का टेस्ट भी माइंड ब्लोइंग था, हर चीज इतनी परफेक्ट थी कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, होटल के ब्रेकफास्ट का टाइम, और देखो कितनी सुंदर से इन्होंने सजाया हुआ है ब्रेकफास्ट का एरिया। तो यहाँ पे है हमारे जो बंस होते हैं चाइनीज, स्टीम्ड बंस, सॉसेजेस हैं, चाइनीज डोनट्स है, बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स रखे हुए हैं
और चाय कॉफ़ी जो भी आपको पीना है, बटर के पैकेट्स हैं, तो चाइनीज़ और इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट वाले जो भी आइटम सोच सकते हो आप सारे हैं। और मुझे तो ये ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगता है। देखो मैं प्लेट भर के ले आई हूँ, इवान भी ये ब्रेड खा रहा है। इसमें वेजिटेरियन बाउजा भी है और मीट वाला बाउजा भी है। ओडिन गया है कुछ और चीज़ें लेने के लिए, तो आइटम्स इतने हैं कि हम एक साथ एक बार में नहीं ला पाए। तो ये लेके आया है टोफू का सूप, ये बहुत ही टेस्टी होता है, स्पाइसी होता है गाइस, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो फ्रूट्स मैं खा रही हूँ ना, क्योंकि मेरा स्क्रैच हो गया है गाइस, स्क्रैच नहीं, मेरा स्क्रीन टूट चुका है पूरी तरह से। मैं और ओडिन अभी एक मॉल में आए हैं टाइम पास करने के लिए, इवान को थोड़ा घुमाएंगे और हम खाना पीना करेंगे उससे पहले। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कौन से रेस्टोरेंट में आए हैं। ये देखो कितना सुंदर है बाबा सब कुछ। एक डिश है बैगन है ये, और ये नूडल्स अभी इन्होंने मिलाए, ये हमें स्नैक्स दिए इन्होंने ऐसे खाने के लिए इवान के। ये देखो यहाँ पे चॉपस्टिक लगा दी, और ये देखो ये शायद फ्राइड फिश या फ्राइड चिकन कुछ है, जिसको ये लाल मिर्च का मसाला एक स्पेशल उसमें साथ में मिला के डिप करके इसके अंदर रोल बना के खाना है। ये जो लेटिस है ना, और ये देखो रेस्टोरेंट कितना सुंदर है गाइस। और ओडिन है ना, ओडिन बहुत दूर पता नहीं कहाँ चला गया, इसके साथ इवान को घुमाने के लिए लेके गया, आ जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे खाना, मैं वेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअली खा चुकी हूँ इसको, काफ़ी ख़त्म कर दिया मैंने, और मुझे ज़ुकाम है अभी, बहुत मिर्ची लग रही है बट फिर भी मेरे को खाने का मन कर रहा है। और ये देखो सुपर गुड लुकिंग चाइनीज फूड, से सुंदर दिखने वाला वैरायटी वाला फूड दुनिया में कोई नहीं है। ये सब काफ़ी नहीं था जो कि, ये देखो ये आ गया नूडल्स सिचुआन वाला। आई मीन सिचुआन रेस्टोरेंट में लाइफ में एक बार नहीं गए तो कहाँ गए भाई आप, कहाँ गए आप, क्यों हो आप फिर। ये देखो ये एक नई डिश भी आ गई है। हाँ ये हमारे ये डम्पलिंग्स की ना हर जगह अलग वैरायटी होती है, हर जगह के अलग टेस्ट वाले होते हैं, दिखने में सेम लगते हैं। और गाइस बस इसके बाद हम लोग खाना खा के एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, और बाकी का मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ। जब मेरे पास यूट्यूब के लिए टाइम नहीं होता मैं वहाँ पे फोटोज अपडेट करती हूँ, इवान के फोटोज और वीडियोस अपलोड करती हूँ। और आप सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। बाय बाय।